राष्ट्रीय लोक दल झारखंड में दिखाएगा अपना बल। स्वर्गीय चरण सिंह चौधरी द्वारा स्थापित राजनीति पार्टी राष्ट्रीय लोक दल प्रथम बार झारखंड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का निर्णय लिया है। प्रथम बार प्रथम चरण में 5 प्रत्याशियों को उतारने की घोषणा की है। इसकी जानकारी देते हुए राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय सचिव अनुपम कुमार मिश्रा ने बताया कि दल अपने बल पर झारखंड में चुनाव लड़ने का मन बनाया है। मैं अनुपम मिश्रा और पार्टी का राष्ट्रीय लोक दल का राष्ट्रीय सचिव हूँ और झारखंड प्रभारी भी हूँ इस चुनाव के मद्देनजर। तो चूंकि राष्ट्रीय लोक दल चौधरी चरण सिंह जी द्वारा स्थापित राजनीतिक दल है जो किसान, कमेरों, मजदूर, श्रमिकों, इनकी आवाज उठाता है। चौधरी चरण सिंह जी भारत के न केवल प्रधानमंत्री रहे बल्कि भारत रत्न का भी हाल ही में उनको भारत सरकार के द्वारा दिया गया और हिंदुस्तान के एकमात्र ऐसे राजनेता जिन्हें किसान मसीहा होने का गौरव प्राप्त है। तो हम लोग विगत कई वर्षों से सत्ता के बाहर रहते हुए भी संघर्ष जो किसानों श्रमिकों की आवाज थी उसको उठाते रहे और अभी हम एनडीए के साथ सरकार के गठबंधन में आए। अभी हम लोगों ने ये एक निर्णय लिया कि संगठन यदि विस्तार करना है तो हम लोगों को अन्य राज्यों की तरफ भी जाना होगा। तो ये हमारा एक पहला कदम है बिरसा भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती पर, झारखंड की धरती पर, कि हम लोग यहाँ पे संगठन विस्तार करें। यहाँ से काफी लोग संपर्क में आए पार्टी में जिन्होंने संपर्क स्थापित किया जो चाहते थे कि इस राज्य में भी राष्ट्रीय लोकदल का जनाधार लोग आए। तो वो जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी जिससे मैं निर्वहन करने की पूरी कोशिश करूंगा और इस चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल ने तय किया है कि हम वंचितों की आवाज को सड़क से सदन तक उठाएंगे। उसका एक जरिया ये है कि या तो आप एक एनजीओ बना करके आप कार्य करें या एक राजनीतिक दल के रूप में आप उनकी संसद और विधानसभा में आवाज उठाएं और उसका समाधान करने का भी प्रयास करें। अतः हम सब यहाँ पर एकत्र हैं और इस बात के साथ एकत्र हैं कि हम संगठनात्मक रूप से आगे बढ़े। मेरा अब एक हम लोगों ने आज तय किया है और इस झारखंड विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में हम लोग अभी 5 प्रत्याशी उतारेंगे। सेकेंड फेज के लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं अगर उसमें हमें ये हमारी पार्टी का एक स्पष्ट निर्णय है कि हम हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं करेंगे और चुनाव में सिर्फ सहभागिता के लिए नहीं जाएंगे, हम लड़ाई करेंगे तो संगठित और ऐसी लड़ाई लड़ना चाहते हैं जिससे जनता को ये भरोसा हो कि ये संगठन स्थायी रूप से कार्य करेगा। तो फिलहाल अभी हमने आज 5 की फाइनल की जो दिल्ली हम अभी नाम भेज देंगे और कल इनके टिकट्स आ जाएंगे और ये लोग क्षेत्र में जाकर के अपना प्रचार प्रसार करेंगे और पार्टी इनके साथ खड़ी। 365 दिन आपके साथ अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।